गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CMA इंटर पेपर 12 ऑडिट का दूसरा क्लास करेंगे। ऑडिटर्स चैप्टर, ऑडिटर्स में क्लास 2 दूसरा क्लास करेंगे, जिसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। पहला है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर सेक्शन 141, मतलब कौन कौन क्वालिफाई है ऑडिटर बनने के लिए, मतलब कौन कौन आदमी मेरा कंपनी का ऑडिटर बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता है। बस इतना ही पढ़ना है कि कौन कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता है। चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है क्वालिफिकेशन, मतलब कौन मेरा कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। स्टेचुअरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्टेट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर मतलब कौन मेरा कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सिर्फ CA इन प्रैक्टिस ही मेरा कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। दो लाइन सुन लीजिए, प्रोविजन में क्या बोलता है कि जो CA इन प्रैक्टिस सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना फॉर्म चला रहा है, मतलब प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म है या पार्टनरशिप का फॉर्म है, पार्टनरशिप का फॉर्म LLP में भी हो सकता है, या LLP के नाम पे अपना फॉर्म चला रहा है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मेरा कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। तो आपको कीवर्ड सिर्फ इतना याद रखना है, ओनली CA इन प्रैक्टिस मेरा कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। अब देखिए डिसक्वालिफिकेशंस, मतलब कौन कौन आदमी मेरा कंपनी का ऑडिटर्स बन नहीं सकता है। सबसे पहला पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, आप सोच लीजिए, एंड याद रखिएगा बॉडी कॉर्पोरेट में एक्सक्लूडिंग LLP है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी कभी भी ऑडिटर्स नहीं बन सकती है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो, ऑडिटर्स नहीं बन सकती है। दूसरा इम्प्लॉय, इम्प्लॉय में सिर्फ ये याद रखना है इम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। याद रखिए इम्प्लॉय में दो चीज, प्रोविजन में दो चीज लिखा हुआ, एक तो इम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यदि मेरा कंपनी का इम्प्लॉय रहेगा तो वह मेरा कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। दूसरा उस इम्प्लॉय के नीचे यदि अपना कोई पर्सनल इम्प्लॉय है, एग्जाम्पल समझिए मिस्टर एक्स मेरा कंपनी का इम्प्लॉय है और मिस्टर एक्स का मिस्टर वाई कोई पर्सनल इम्प्लॉय है, तो दोनों ही मेरा कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो इम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है एम्प्लॉय, बस एम्प्लॉय भी ऑडिटर्स नहीं बन सकता है। एम्प्लॉय किसका होगा? कंपनी का होगा, जनरल नॉलेज, ठीक है। सबसे पहला कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर्स नहीं बन सकता है। दूसरा एम्प्लॉय भी ऑडिटर्स नहीं बन सकता है कंपनी का। तीसरा शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर भी कंपनी का ऑडिटर्स नहीं बन सकता है। देखिए प्रोविजन में क्या लिखा है, एनी पर्सन हु होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। इसका मतलब क्या, कोई आदमी भी मेरी कंपनी में सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कैसे होल्ड करेगा जब वो मेरी कंपनी का शेयर खरीदेगा? तो घुमा फिरा के यही है कि अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर हुआ। तो शेयर होल्डर कभी भी मेरी कंपनी का, यदि आपने कंपनी का एक शेयर भी होल्ड किया है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते। तो शेयर होल्डर कभी भी ऑडिटर्स नहीं बन सकता। अब उसमें एक प्रोविजन और है, बोलता है रिलेटिव कैन होल्ड शेयर अप टू फेस वैल्यू 1 लाख रुपया। बोलता है रिलेटिव 1 लाख रुपया तक का शेयर होल्ड कर सकता है। एग्जाम्पल समझिए, सपोज मेरा रिलेटिव इस कंपनी का 1,02,000 शेयर होल्ड करता है, तब भी हम उस कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते हैं। हम एक भी शेयर होल्ड नहीं करते हैं लेकिन मेरा रिलेटिव्स 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो भी हम उस कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते। तो रिलेटिव में भी एक लिमिट दे दिया है कि रिलेटिव आप कंपनी के भले एक शेयर होल्ड नहीं करते हो लेकिन आपका रिलेटिव 1 लाख से ज्यादा का शेयर होल्ड करेगा तो आप उस कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते हो। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता ऑडिटर्स, कंपनी का शेयर होल्डर भी कभी ऑडिटर्स नहीं बन सकता है। चौथा, आपने कंपनी से लोन लिया है 5 लाख से ज्यादा का। यदि आपने कंपनी से लोन लेके रखा है 5 लाख से ज्यादा का तब आप ऑडिटर्स नहीं बन सकते, सीधा सा बात है। चौथा, किसी मिस्टर वाई एक्स ने लोन लिया कंपनी का और आपने उस लोन के रिगार्ड में गारंटी दी है। याद रखिएगा 1 लाख से ज्यादा का किसी ने कंपनी से लोन लिया और उसके रिगार्ड में यदि आपने कोई गारंटी दी है तब भी आप ऑडिटर्स नहीं बन सकते। 5 पॉइंट और एक छठा, बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ तो कंपनी का ऑडिटर्स आप नहीं बन सकते। एकदम सिंपल सा 6 पॉइंट, एकदम कीवर्ड याद रखे आप एकदम लॉजिकली लिख देंगे। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी कभी भी ऑडिटर्स नहीं बन सकती, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय भी कभी ऑडिटर्स नहीं बन सकता है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर भी कभी ऑडिटर्स नहीं बन सकता है, लोन टेकन यदि किसी ने लोन लिया है तो भी वो ऑडिटर्स नहीं बन सकता है, और किसी ने गारंटी दी है लोन के रिगार्ड में तो
तो वो भी ऑडिटर्स नहीं बन सकता, बिजनेस रिलेशनशिप है तभी भी ऑडिटर्स नहीं बन सकता। 6 पॉइंट बहुत अच्छा सा, खाली कीवर्ड याद रहेगा आपको, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, लोन टेकन, गारंटी गिवेंस और बिजनेस रिलेशनशिप। अब 7वां पॉइंट देखिए, बोलता है यदि आपका रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है या केएमपी है तब भी आप कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते। आपका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या केएमपी है तब आप कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते हैं। 8वां पॉइंट देखिए, 8 पॉइंट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर फ्रॉड, आपने आपको कोर्ट की तरफ से सजा मिली, आपने कोई फ्रॉड का काम किया था और 10 साल अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो 10 ईयर नॉट एक्सपायर। 9वां पॉइंट देखिए, 20 से ज्यादा आपके पास ऑडिट है, रूल्स बोलता है कि आप 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकते हैं, 20 से ज्यादा आप ऑडिट लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑडिटर्स बनने से, तब भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। और एकदम अंतिम बोलता है यदि आपने अंडर सेक्शन 144 की यदि सर्विस दी है, जिस सर्विस के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है वही सर्विस आप दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कैसे याद रहेगा आपको 10 पॉइंट देखिए, सबसे पहला कंपनी, दूसरा इम्प्लॉय, तीसरा शेयर होल्डर, चौथा लोन, पांचवा गारंटी, छठा बिजनेस रिलेशनशिप, 7वां रिलेटिव्स, 8वां फ्रॉड बाय कोर्ट, 9वां 20 ऑडिट एंड 10वां सेक्शन 144 सर्विस। बस ये 10 पॉइंट याद रखिएगा और आप आराम से लिख देंगे। आ जाइए अब देखिए, आगे देखिए, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी बोलता है दो प्रकार के कंपनी के ऊपर ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के बगल में लिखा हुआ हर लिस्टेड कंपनी, मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, जितना भी कैपिटल हो, जितना भी टर्नओवर, अपने को नहीं देखना है। नाम में लिस्टेड है मतलब लिस्टेड कंपनी, कुछ भी क्राइटेरिया हो लिस्टेड कंपनी के लिए बनाना मैंडेटरी है ऑडिट कमेटी। दूसरा देखिए, पब्लिक कंपनी हैविंग, वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल कितना है 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस पब्लिक कंपनी के लिए ऑडिट कमिटी बनाना मैंडेटरी है, याद रखिएगा। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी नहीं है, कुछ भी पेडअप कैपिटल हो, कुछ भी टर्नओवर हो, समझ में आया। लिस्टेड कंपनी और सर्टन स्पेसिफिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर ऑडिट कमिटी का प्रोविजन मैंडेटरी है, याद रखिएगा। ऑडिट कमिटी में 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम, और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। अब 3 डायरेक्टर कैसे याद रहेगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 3 डायरेक्टर का कंडीशन है। तो बस इतना याद रखना है, ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का फंक्शन क्या, ऑडिट कमेटी का काम क्या है। सबसे पहले रिकमेंडेशंस देता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए और रेमुनरेशंस के लिए बताता है कि आप इसको ऑडिटर अपॉइंट कीजिए और इसका ये रेमुनरेशन होना चाहिए, कंपनी को प्रपोजल देता है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, बहुत एकदम इजी फंक्शन है उसका, ड्यूटी है, कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। तो ऑडिट कमेटी क्या क्या दो चीज को एग्जामिन करती है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा एनालिसिस करती है। तो ऑडिट कमेटी क्या चीज एग्जामिन करती है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, याद रखिए पहला पॉइंट, ये दोनों एकदम याद रहेगा। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का अप्रूवल कौन देता है, ऑडिट कमेटी देता है। और कंपनी का वैल्यूएशन, जो कंपनी का एसेट का वैल्यूएशन कौन करता है, ऑडिट कमेटी करता है। एकदम सिंपल सा, कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करता है, कंपनी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का अप्रूवल देता है ऑडिट कमेटी, और कंपनी का एसेट का वैल्यूएशंस करता है कौन, ऑडिट कमेटी। इतना पॉइंट याद रखिएगा, एकदम इजी है। थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं।